हेलो, गुड इवनिंग। तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन। ये दोनों क्लासेस में इम्पोर्टेंट होगा, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। तो इसलिए हमने मेंशन किया है क्लास 10th एंड 12th, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी हम जानेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या है? जीवन काल। ये एक ऐसी अवधि है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो इंटरवल होता है उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं जीवन काल। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। जैसे हम 12th में फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन हम किसका ऑब्जर्व कर पाते हैं, बनियान ट्री का। हुमन की बात करें तो 70 अप्रोक्स, 70 ईयर्स। तो क्या लिखा है हमने, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। उसको क्या कहेंगे, लाइफ स्पेन। और लाइफ स्पेन ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स का होगा, नॉन लिविंग थिंग्स का तो लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द पॉपुलेशन इज मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ से शुरू होता है कि रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। जब लाइफ स्पेन में हम पढ़ते हैं कि डेथ डेथ के बाद जो भी डिक्रीज होती है पॉपुलेशन, तो उसको वापस दोबारा से बैलेंस कौन करता है, कौन सी प्रोसेस करती है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ से शुरू होता है। रिप्रोडक्शन, री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ की पैदावार, मीन्स एक पेरेंट बॉडी से एक नई डॉटर बॉडी का बनना, सिमिलर बनना, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल, एक जैव वैज्ञानिक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस दियर ऑफस्प्रिंग्स। इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स अपने जैसी कॉपी, अपने जैसे ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस दियर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स कहें या चिल्ड्रन कहें, चाइल्ड कहें, प्रोजेनी कहें, या नेक्स्ट जनरेशन कहें, और वो कैसी होनी चाहिए, सिमिलर, अपने जैसी, समान होनी चाहिए पेरेंटल बॉडी के। इस प्रोसेस का नाम, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम होता है रिप्रोडक्शन। इट ऑल्सो इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये किसी भी स्पीसीज और किसी भी ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक ज़रूरी प्रोसेस है। इसके बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसलिए रिप्रोडक्शन जीवन को कंटिन्यू चलाने के लिए एक प्रोसेस है। इसके बाद रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए से हम समझ पाते हैं एबसेंट, यहाँ सेक्सेस एबसेंट होते हैं, यहाँ मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक सिंगल पेरेंटल बॉडी न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। जैसे हमने लिखा है इधर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल, सिंगल का मतलब एक वन पेरेंटल बॉडी से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं मेल फीमेल के, जैसे हम गैमेट्स पढ़ते हैं स्पर्म एंड ओवम, प्लांट्स की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स एंड ओवल्स, यहाँ उनकी फॉर्मेशन नहीं होती है। और विदाउट फ्यूजन, जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फ्यूजन ऑफकोर्स नहीं होगा। एक सिंगल पेरेंटल बॉडी डायरेक्टली डॉटर बॉडीज में डिवाइड हो जाती है। इस प्रोसेस और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, अमीबा का जैसे हम पढ़ते हैं, अमीबा में फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। उसके थ्रू अमीबा की जो पेरेंटल बॉडी है वो डायरेक्ट डॉटर बॉडीज में टूट जाती है, उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं, और आफ्टर मैचुरेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। अमीबा एक सिंगल सेलुलर यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में रहता है। और भी इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही ऑलराउंडर एग्जाम्पल दिया जाता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है कि दो पार्टनर होंगे, दो मेल और फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट एंड गैमिट्स आल्सो फॉर्म्ड एंड फर्टिलाइज्ड। गैमिट आपस में, गैमिट बनेंगे आपस में मिलकर के फर्टिलाइजेशन के बाद, एक तब एक नए प्रोजेनी को वो प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज सेक्सेस मेल एंड फीमेल, ठीक। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म करेंगे, देन वो फर्टिलाइज होंगे, फ्यूज होंगे, और उसके बाद न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा। तो एग्जाम्पल में हम आते हैं ह्यूमन बींग्स। तो ये हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल के टाइप्स पढ़ेंगे, देन सेक्सुअल पढ़ेंगे, इनके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना।